Hello students of first year, welcome in your class communication skill. We have learned about Dhruma's character and Alagu character. Today we will read about the theme of the story, God lives in the punch. God lives in the punch. The theme of the story. ये मैंने आपको पहले बता दिया कि सारे ही क्वेश्चन इसमें इंटरकनेक्टेड है. अगर आपको टाइटल ऑफ द स्टोरी आ जाए तो आपने जुम्मन के कैरेक्टर्स में जो उसकी जजमेंट है वो लिख देनी है और अलाकू के कैरेक्टर की जजमेंट लिख देनी है जो हम कर चुके हैं. तो लास्ट में हम लिखेंगे, क्योंकि फिर जजमेंट हुई दोनों की, तो सो हम लिख सकते हैं कि द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज एप्रोप्रिएट. तो ये आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा, छोटे क्वेश्चन सारे इसी में कवर हो जाएंगे. तो आज हमने इसका थीम पढ़ना है. थीम क्या है स्टोरी का, ये देखिए, गॉड लिव्स इन द पंच क्या है, मार्वलस एंड मीनिंगफुल स्टोरी है. इसमें बहुत अर्थपूर्ण स्टोरी है, इसमें कोई भाव है जो भाव हमें दर्शाता है कि हमें जस्टिस के मामले में एकदम से बिल्कुल फेर होना चाहिए. न्याय हमारा पक्षपात पूर्ण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप सोचो. हमें न्याय निष्पक्ष भी करना चाहिए, कभी भी पक्षपात पूर्ण न्याय नहीं करना चाहिए, जैसा कि इन दोनों ने किया, जुम्मन और अलाकु ने. चाहे ये दोनों दोस्त थे, लेकिन फिर भी जब फैसला लेने की इनकी टर्न आई, जब ये चेयर पे बैठे, तो इन्होंने अपनी जजमेंट बिल्कुल सही दी, अप्रोप्रिएट दी. इसीलिए टाइटल को भी ऐसे ही कहा गया कि ये अप्रोप्रिएट है. So we can say that God lives in the punch. It is a marvelous and meaningful story. क्या करती है, हमें कौन सा आइडिया देती है, हमें एक मॉरल देती है. It gives the moral that one should not deviate from the path of justice and truth. अपने हमें न्याय के पास से, न्याय के रास्ते से, truth के रास्ते से, सच्चाई के रास्ते से कभी भी हटना नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि जो ईश्वर की आवाज़ होती है ना, जो पंच में जो आवाज़ निकलती है उसके अंतरात्मा से, वो ईश्वर की आवाज़ होती है. इसीलिए जब हम उस न्याय की कुर्सी पर बैठते हैं, तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये हमारा भाई है, हमारा बहन है, या हमारे कोई दोस्त है, मित्र है, या हमारा शत्रु है. उस समय हमें ये नहीं सोचना चाहिए, जैसा कि इन दोनों ने किया, जुम्मन और अलाकु ने. सो वी कैन से दैट फ्रेंडशिप के लिए भी उन्होंने बोला है, एनमिटी के लिए भी, शत्रुता के लिए भी बोला है. इसके बारे में हमें बिल्कुल भी पक्षपात नहीं करना चाहिए. तो फिर उसके बाद है, इट शोज द पिक्चर ऑफ पावर ऑफ द पंचायत. क्या करती है ये स्टोरी, क्या करती है स्टोरी, पंचायत की शक्ति के बारे में बताती है कि पंचायत में कितनी शक्ति होती है, पंचायत में कितनी शक्ति होती है, और उसका जो फैसला होता है वो सबको मान्य होता है. इन सब मानते हैं उस फैसले को, क्योंकि वो ईश्वर की आवाज होती है. ठीक है, क्योंकि जहां पे सच्चाई होती है, जहां पे सच्चाई होती है, जहां पे जस्टिस होता है, वहां खुद भगवान रहता है. ईश्वर का घर ही वहां है जहां पे सच्चाई है, जहां पे सच्चाई है, जहां पे न्याय होता है. जहां पे अन्याय होता है, जहां पे झूठ का साथ दिया जाता है, वहां ईश्वर निवास नहीं करते. इसीलिए तो कहते हैं कि अंतरात्मा से जो आवाज निकले, और आंटी ने भी यही कहा था कि अल्लाह लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच. जब अलाकु ने बोला था कि मैं तो उसका दोस्त हूँ, आप मुझे नॉमिनेट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, मुझे क्यों बता कह रहे हो कि आप न्याय करो, मैं वहां पहुंचू, मैं तो जाना ही नहीं चाहता वहां, क्योंकि वो मेरा दोस्त है जुम्मन. लेकिन आंटी ने उस समय उसकी अंतरात्मा को जगा दिया ये कह के कि अल्लाह लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच. तो जब ऐसा है तो आप उस समय न्याय से ही करोगे. मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर आपको लगे कि मैं गलत हूँ तो ठीक है, अगर आपको लगे कि जुम्मन गलत है तो फिर आप उसके विरुद्ध फैसला देना और मेरे पक्ष में लेना. तो फिर अलाकु ने उस समय घर जाके सोचा कि ये तो बहुत अच्छी बात कह गई कि वाकई में अब मैं ये नहीं देखूंगा. तो उसके बाद उसने पूरी अच्छी तरह से पूरी तफ्तीश की कि वाकई में ही ये गलत है या सही है, क्योंकि उसकी जो सारी प्रॉपर्टी उसके नाम थी और वो गुजारा भत्ता भी नहीं देना चाहता था, और उसकी पत्नी उसके साथ जो करीमन थी वो बहुत बुरा व्यवहार करती, जैसा मैंने आपको पहले बताया, उसको खाना भी अच्छे टाइम से नहीं देती थी, खाना जो देती थी उसमें विष घोल देती थी,
कहती थी कि तू घी के बिना रोटी नहीं खा सकती, दाल तेरी में घी होना चाहिए, या तूने मौत को विजय कर लिया, बुरी बुरी बातें कहती थी। उस समय उसकी आंटी ने क्या किया, ये केस को पंचायत के पास पहुंचाया। नहीं, पहले तो वो खुद ही कहती थी कि मुझे कुछ गुजारा भत्ता दे दो ताकि मैं अपनी किचन अलग बना। तो ये थीम में आप चीजें वही होती हैं, उनको थोड़ा बना के लिख दो तो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा अलागू एंड डुमन और फास्ट फ्रेंड्स। ये मैंने आपको बताया बचपन से फ्रॉम अ वेरी चाइल्डहुड देवर फास्ट फ्रेंड्स, और एक दूसरे के वो काम किया करते थे। नेक्स्ट है व्हेन डुमन रजिस्टर्ड हिज आंट्स प्रॉपर्टी अंडर हिज नेम। देखो सेम बातें आ रही हैं। जब उसके अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम रजिस्टर हो गई तो उसने उसके साथ क्या किया, बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। शी टुक द केस टू पंचायत। उस समय वो केस को पंचायत के पास लेके गई। अलागू वाज एन ऑनेस्ट पर्सन। अलागू तो ऑनेस्ट पर्सन था ही, वो ईमानदार व्यक्ति था, इसीलिए ईमानदारी से उसने फैसला किसके पक्ष में दिया, आंटी के पक्ष में दिया। अलागू ने फैसला आंटी के पक्ष में दिया और कहा कि इस जुम्मन को चाहिए कि उसको गुजारा भत्ता दे मंथली। और उसने फेयर जजमेंट दी इन फेवर ऑफ आंटी। मैंने आपको बताया कि आंटी के पक्ष में फेयर जजमेंट में बिल्कुल सही फैसला उसने सुनाया। और कुछ समय के बाद क्या होता है, आफ्टर सम टाइम अलागू हैड ए प्रॉब्लम। अब देखो समय का फेर है, अब अलागू के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई। और इन दिनों में क्या हुआ, ये जो जुम्मन था ना उसे बदला लेने की सोच रहा था। दोनों आपस में बिल्कुल मिलते नहीं, मिलते थे तो रास्ता काट लेते थे और एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखते थे। और जुम्मन भी सोचता था कि कोई ऐसा समय आए जब मैं इससे बदला लूं। तो उस समय क्या होता, फिर अलागू हैड ए प्रॉब्लम ऑफ पेमेंट। उसकी पेमेंट की कोई प्रॉब्लम थी, जो सामजी साहू से उसने उसको बलद को दिया था, उसको बेचा था, लेकिन उसने पैसे नहीं दिए थे उस समय। बाद में उसका बलद जो है बैल जो मर गया था, तो अब वो पैसे नहीं देना चाहता था। और ये अलागू कहता है कि मुझे तो मेरे पैसे चाहिए क्योंकि मैंने तो आपको सही बलद दिया था, बैल उनको सही दिया था, अब उसने उसे ओवरवर्क करवाया तो उसकी मृत्यु हो गई। तो इसलिए अब उसको प्रॉब्लम हो गई क्योंकि वो पैसे नहीं देना चाहता था, बैल उसका सुंदर था, उसने बैल खरीदे थे दो, एक तो पहले उसका बेचारा मर गया था और दूसरा इसने खराब कर दिया। तो अब उसको प्रॉब्लम हुई तो उसने भी केस को पंचायत के सामने रखा, सामजी साहब। सो ही टुक द केस टू द पंचायत। उसने पंचायत के सामने केस रखा। देन जुम्मन बिकेम हेड पंच। अब जुम्मन हेड पंच बन गया। ये शॉर्ट आप लिख लीजिए कॉपीज में, थोड़ा लिखो लेकिन सही लिखो, आपके मार्क्स सही आए। क्योंकि फर्स्ट सेशन में आपको ये दो करेक्टर, एक थीम और एक टाइटल, चार क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन चारों में से आपको दो तो अवश्य आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। और छोटे क्वेश्चन सारे आपने इन्हीं में से ढूंढ लेने हैं, कर लेना है, और इसकी जो बैक एक्सरसाइज है वो भी कर लेनी है। सारे आंसर उसके आपके बुक में लिखे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हेन जुम्मन बिकेम हेड पंच। अब हेड पंच कौन बना, जुम्मन बना। ही फॉरगॉट ऑल हिज एनमी, सारी अपनी शत्रुता को भूल गया। उस समय उसको शत्रुता याद नहीं रही, उसको क्या याद रहा, ही रियलाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मीन उसके ऊपर कौन सा उत्तरदायित्व है, कौन सा उसका कर्तव्य है, उस कर्तव्य को उसने कैसे निभाया, उस कर्तव्य को किस तरीके से वो करे ताकि सारा जो हमारा जो न्याय होता है वो बिल्कुल निष्पक्ष हो। उस समय उसको याद आया कि वाकई में मेरे अंदर भी ईश्वर की आवाज आ रही है कि मैं सही तरीके से सोच के समझ के जो देखूं, जिसकी जो गलती है उसी को सजा मिलनी चाहिए, जिसकी गलती नहीं है उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। अब गलती थी उसकी, उसने पशु के साथ बुरा व्यवहार किया, अब तो उसके ऊपर दो केस लगते हैं, एक तो उसने उसका बल मार गया, उसने पैसे नहीं दिए, दूसरा उसने उसके साथ बुरा व्यवहार किया जानवर के साथ, तो पशु के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी उसने सोचा दिमाग में। तो अब क्या करता है, वो कैसे जजमेंट देता है, देखिए। He gave his judgment in Alagu's favor. अब वो अलागू के फेवर में, उसके पक्ष में जजमेंट देता है, जबकि अलागू के मन में था कि ये फेयर जजमेंट नहीं होगी। फेयर जजमेंट क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसके साथ शत्रुता। लेकिन कहते हैं कि जब अंदर से आवाज आती है ना, तो उस समय व्यक्ति ये भूल जाता है कि उसका कोई दोस्त है,
उसका कोई दुश्मन है या उसका कोई रिश्तेदार है, कोई भाई है, बहन है, सब रिश्तेदार तो बिल्कुल एक तरफ रख के वो निष्पक्ष होके न्याय देते हैं। समझ आए? तो यही हमारा ये थीम में आगे चलेगा। लास्ट लाइंस में हम इसको बताते हैं कि ये थीम कैसे बना। He gave his judgment in Elagu's favor. Thus the theme of the story suggests impartial decision of the panchayat. तो हमें ये सारी स्टोरी का जो थीम है वो हमें क्या सुजेस्ट करता है कि हमें इम्पार्शियल होकर निष्पक्ष रह के, बिल्कुल निष्पक्ष, कोई भी देखना दोस्त है, दुश्मन है, भाई है, बहन है, न्याय देना करना चाहिए, तभी हमारी पंचायत की विक्ट्री होती है। तो उस समय ये दोनों फ्रेंड्स आपस में, वो आप लाइनें इकट्ठे लिख सकते हो कई कई शब्दों में, कुछ छोटे वर्सेस में लिख सकते हो, दे हग ईच अदर एंड विक्ट्री टू द पंचायत, सो मेनी थिंग। तो छोटे क्वेश्चन आपने सारे ढूंढ ढूंढ के याद कर लेने हैं और सी बैक एक्सरसाइज कर लेनी है, और एक आपको सीन पैसेज आएगा इस चैप्टर में, गॉड लिव्स इन द मन, जो फर्स्ट सेशन में आपका पेपर होगा एक ही चैप्टर का होगा। तो इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। बड़े क्वेश्चन याद, मैंने चार आपको क्वेश्चन बता दिए, टाइटल बता दिया था क्वेश्चन का, जोमन का करेक्टर, अलागो का करेक्टर और एक ये थीम। चार क्वेश्चन बड़े हैं जिनमें से आपको दो तो अवश्य आएंगे, दो बच्चे आएंगे, बाकी छोटे क्वेश्चंस हैं, और एक आपका सीन मैसेज होगा इसी चैप्टर में, एक पैराग्राफ आपको आएगा, उसमें से क्वेश्चन भी ढूंढने होंगे और आपने बैक एक्सरसाइज कर लेनी है। ठीक है, अभी कुछ दिनों बाद पढ़ लोगे आप बुक्स, पहले तो बुक्स खरीदिए, आप बुक्स खरीद ली उसको पढ़ो लेसन, क्योंकि ये आपका रीडिंग सेक्शन है। रीडिंग सेक्शन मीन आपको पूरा चैप्टर को रीड करना है, इंग्लिश में रीड करना है। रीड ट्रांसलेशन मैंने आपको बता दी, शॉर्ट स्टोरी आपको समरी बता दी कैसे है, आप पढ़ोगे तो आपको सही समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, नेक्स्ट वी विल मीट अगेन।